हाय दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले एक बात तो हम लोग को जानने चाहिए, जो हो रहा है क्या, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। इसमें है, प्रोग्रामिंग इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच इज रिटन बाय कंप्यूटर लैंग्वेज एंड यूज्ड फॉर सर्विंग पब्लिक। मींस सबको समझ में आ गया क्या है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कुछ इंस्ट्रक्शन का समष्टि है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड इट यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखेंगे तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एटसेट्रा लैंग्वेज है जो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये जानना चाहिए, जब हम लोग को ये वो दूसरा पार्ट पढ़ने से पहले एक बात बोलेंगे, जो हो रहा है क्या, हम लोग प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग कुछ हम लोग लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग कहाँ, एक कोड का तरह प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। और प्रोग्रामिंग लिखने के बाद वो प्रोग्रामिंग जो जो लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने पड़ता है। तो ट्रांसलेट कौन करेगा, ट्रांसलेट करने के लिए एक अलग प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट प्रोग्राम, उसका बारे में अभी पढ़ेंगे। ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग जो हाई लेवल, सपोज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखने के बाद वो लैंग्वेज का हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। वही हाई लेवल लैंग्वेज को मीन्स वो मशीन लेवल लैंग्वेज, मीन्स जो जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझते हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का व ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज होता है। तो इसमें देखो ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम व्हिच ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज वैकेटेड सोर्स कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज वैकेट में ऑब्जेक्ट कोड। किसी को प्रश्न क्वेश्चन आएगा जो सोर्स कोड क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड वो हाई लेवल लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हम लोग लिखता है उस लैंग्वेज को हम लोग बोलता हूँ क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड मशीन लेवल लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को ट्रांसलेट प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मीन्स वो मशीन को मीन्स कंप्यूटर को समझने के लिए जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलता है। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या है समझ गया। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम का कुछ टाइप्स है, ना टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज असेंबलर, ये हम लोग देखेंगे। देखिए कंपाइलर, कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलर का काम वही जो था जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम में, वही वही जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम का जो डिफिनेशन था वही कंपाइलर का डिफिनेशन, ठीक है, वही काम करता है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करता है। इसमें क्या है, सोर्स कोड इसमें देखो कंपाइलर का थोड़ा अलग अलग से लिखा हुआ है, सेट हो गया सबको समझ, वो देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद, मैं बाद में जो वीडियो डालेंगे वो वीडियो में सब सही कर देंगे, क्योंकि वो शॉर्ट सब शेडो वर्ड हो गया तो अभी तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं बाद में जो वीडियो आएगा उसमें चेंज कर देंगे, बुरा मत सोचिए। तो सोर्स कोड ऐसे कंपाइलर एरर ऑब्जेक्ट कोड आउटपुट ये दिखाई दे रहा है सबको। तो इसमें क्या वो समझ रहा है, ये सोर्स कोड है ना, सोर्स कोड है उसके बाद कंपाइलर, मीन्स कंपाइलर बीच में रह के क्या करता है, सोर्स कोड जो हम लोग दिया उससे कंपाइलर कंपाइल करता है। उसके बाद पहले क्या दिखाता है, एरर लिस्ट, मीन्स हम लोग जिस लैंग्वेज में लिखा उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कुछ भी गलत है तो उस एरर को सीन करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड में करता है और उसके बाद आउटपुट दिखाता है। हम लोग ये देख लेंगे कंपाइलर कौन सा यूज लैंग्वेज में यूज होता है, सी, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, पास्कल, बहुत सारे लैंग्वेज में यूज होता है। सेकंड टाइप इंटरप्रेटर देख लीजिए, तीन था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का काम कंपाइलर का काम जो है सेम है बट डिफरेंस ह्यूज है।
डिफरेंस क्या है वो बाद में बताएंगे, बट अभी देख लीजिए क्या इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर इसमें लिखा है इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन टू द ऑब्जेक्ट कोड। मीन्स कंपाइलर क्या करता है, एक साथ में पूरा कोड को एग्जीक्यूट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, एक साथ में, एक बार में। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एक लाइन में क्या होता है, एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उसमें जो एरर होता है वो सीन कराता है, फिर भी फिर दूसरा लाइन में आता है, ऐसे करके करता है। देख लीजिए सोर्स कोड मैंने हम लोग जो कोड लिखा उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर रह के क्या करता है, आउटपुट देता है। उसके बाद असेंबलर, असेंबलर का काम सेम है, लेकिन इसमें देखो लाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर लिखा हुआ है। असेंबलर का काम वो कंपाइलर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम का जो काम है वही काम, सेम ही डेफिनेशन असेंबलर का। लेकिन इसमें एक मैं एक इक्वेशन बना दिया, बट ये इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो असेंबलर इक्वल टू कंपाइलर बाई 25, मीन्स असेंबलर पहले बोल दिया मैं क्या है, असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रेटर से बहुत ज़्यादा गुना स्लो चलता है। देखो असेंबलर इक्वल टू कंपाइलर बाई 25 मीन्स असेंबलर असेंबलर कंपाइलर से 25 गुना स्लो। मीन्स हम वो उल्टा करके बोलेंगे तो कंपाइलर इक्वल टू असेंबलर इंटू 25 मीन्स कंपाइलर असेंबलर से 25 गुन ज्यादा स्पीड में चलता है। अभी है डिफरेंस, हम बोला था ना जो कंपाइलर इंटरप्रेटर का बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, बट काम से एक ही होता है, लेकिन उसका डिफरेंस बहुत सारा है। देखिए पहले ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मीन्स कंपाइलर क्या करता है, और जो अनुवाद करता है ना वो हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया प्रोग्राम को उसको अनुवाद करता है ना कंपाइलर एक साथ में करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन में करता है। ये हम पहले बोल दिया। फिर एरर शो, हम ये भी बोल दिया जो कंपाइलर क्या करता है एरर को एक साथ में जितना भी एरर था हम दिया वो एक साथ में दिखाई देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन में एक एक करके दिखाई देता है, एक एक लाइन में जितना एरर है पहले दिखाएगा, उसके बाद दूसरा लाइन, उसके बाद दूसरा लाइन, ऐसे करके। फर्स्ट इंटरप्रेटर तो इंटरप्रेटर हम बोल दिया इक्वेशन में दिखाई दिया जाए इंटरप्रेटर स्लो है जाए कंपाइलर से, तो कंपाइलर फर्स्ट इंटरप्रेटर स्लो यूज। हम बोल दें कंपाइलर कॉमनली जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसमें यूज होता है, और इंटरप्रेटर माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है। ये हो रहा है क्या हम लोग का डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अभी यही डिफरेंस, इससे तीन चार तो डिफरेंस तो मिल जाता है।